पढ़ेंगे खबरों की ओर। आप विधायक अमानतुल्ला खान को ईडी का एक और समन। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी अमानतुल्ला खान से 29 अप्रैल को फिर पूछताछ करेगी। 18 अप्रैल को ईडी ने अमानतुल्ला खान से पूछताछ की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को जमानत दी है और 15,000 के निजी मुचलके के बाद अंतरिम जमानत दी है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अमानतुल्ला खान को ईडी का एक और समन। अभी भी राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी अमानतुल्ला खान से 29 अप्रैल को फिर पूछताछ करेगी। इससे पहले 18 अप्रैल को ईडी ने पूछताछ की थी। अब 29 अप्रैल को ईडी की तरफ से पूछताछ की जाएगी। अमानतुल्ला खान को ईडी का एक और समन मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़े हुए हैं और सब कुछ जानकारी लेंगे। अजीत, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि आप विधायक अमानतुल्ला खान को ईडी का एक और समन मिला है। वक्फ बोर्ड मामले में ईडी ने पूछताछ करेगी 29 अप्रैल को। इससे पहले 18 अप्रैल को पूछताछ की जा चुकी है। देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में लगातार जो है अमानतुल्ला खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से ईडी ने जो है समन जारी कर दिया और पूछताछ के लिए उन्हें जो है बुलाया है। इससे पहले की बात करें तो अमानतुल्ला खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से जो है अंतरिम जमानत जरूर मिली थी 15,000 के मुचलके पर। और उसके बाद जो है कोर्ट के अंदर 9 मई को सुनवाई है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ईडी ने जो है अमानतुल्ला खान को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। तब देखने वाली बात हुई कि आखिर ईडी के हाथ में ऐसे कौन से सबूत लगे हैं जिसके बाद ईडी ने जो है अमानतुल्ला खान को फिर से समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि यहाँ पर पूछताछ के बाद क्या होता है, क्योंकि इससे पहले अभी यहाँ अमानतुल्ला खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से ये निजी मुचलके पे 15,000 के निजी मुचलके पे जमानत मिली। कहीं एक बार फिर से मुश्किलें दोबारा ना बढ़ जाए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 18 अप्रैल को उनसे पूर्व में पूछताछ हो चुकी है, जब ईडी ने उनसे 13 घंटे तक पूछताछ किया था, जिस समय कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके अन्य माध्यमों से ये बताया था कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनकी 13 घंटे की पूछताछ के बाद जो है वो ईडी दफ्तर से निकले थे। और उसके बाद से कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी और राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते दिन ही उन्हें 15,000 के निचले मुचलके पे जमानत दिया था। और देर रात जो है फिर से उन्हें ईडी द्वारा समन मिला कि 29 तारीख को फिर से उन्हें जो है पूछताछ में शामिल होना है ईडी के। तो यानी फिर से एक बार वो जो है ईडी दफ्तर 29 तारीख को पहुंचेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि फिर से एक बार अमानतुल्ला खान से क्या कुछ पूछताछ करती है ईडी और किन सबूतों के आधार पर एक बार फिर से जो है ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए अजीत बहुत शुक्रिया आपका।